माँ के गुनाह से रिज्क की तंगी भी बढ़ जाती है, चाहे वो मल्टी मिलियनर बंदा क्यों ना हो, काम अटका ही रहता है। फिर इंसान की हैबत कम हो जाती है, दिल सख्त हो जाता है, इबादत को दिल नहीं चाहता, फिर दिल परेशान होता है। आप इस बात का खुद मुशाहिदा कर लें कि जितनी लड़कियां रोग पाल लेती हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। कभी एक बजे मैसेज आ रहा है, कभी दो बजे मैसेज जा रहा है, सारी रात जाग के गुजार देती हैं। जिस गुनाह ने दुनिया में सुकून छीन लिया, सोचें आखिरत में सुकून कैसे मिलेगा। फिर परेशान हो के खुद कहती हैं, इस जीने से तो मर जाना अच्छा था, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इसलिए जिना के बारे में दो तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली बात कि हदीस मुबारक से पता चलता है कि जब कोई शख्स जिना कर रहा होता है, उस वक्त वो मुसलमान नहीं रहता, ईमान उसके जिस्म से निकल के अलग हो जाता है। गोया जिना करने में जितना वक्त गुजरा, वो उतना वक्त कुफर की हालत में गुजर गया, ईमान से खाली गुजर गया। अब जरा औरतें सोचें कि जब इनके जिस्म को किसी गैर महरम ने हाथ लगाया, ये उतनी देर कुफर की हालत में रहीं, कहने को तो मुसलमान बनी फिरती हैं, लेकिन नामे अमाल में तो लिखा जाएगा ना कि इतना वक्त इसने कुफर की हालत में गुजारा। अल्लाह अकबर, ऐसा गुनाह कि ईमान ही बंदे से अलग हो जाए। फिर ये इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस पाक में आता है कि जो इंसान जिना करे हत्ता के बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उस पर सातों आसमान और सातें जमीनें लानत बरसाती हैं। ऐसे बंदे को क्यामत के दिन अल्लाह ताला आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो गैर को मोहब्बत की नजरों से देखता था, आज मैं तेरे चेहरे को मोहब्बत की नजर से नहीं देखूंगा। ये कितनी बड़ी महरूमी है कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को ही देखना पसंद न करे। अलामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह के दादा कहते थे कि जो शख्स जिना का मुर्तकिब होता है, उसके चेहरे की जुल्मत अहले बातिन देखते हैं, जब करीब वो आता है तो उसके जिस्म से बदबू आती है, जब वो नहाता है तो पानी के अंदर जिना का गुनाह धुल रहा होता है, पानी देखकर वो बता सकते हैं। इमाम आजम उनी पर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, एक नौजवान को नहाते देखकर उन्होंने देख लिया कि ये जिना का मुर्तकिब हुआ है। इबन असाकर ने एक हदीस नकल की है, अल मुकीम अल जिना का आबिद वस्न, कि जो जिना के ऊपर मुकीम होता है वो बुत परस्त की मानिंद होता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ दो साल अफेयर रखे, तो अल्लाह के यहां ये दो साल बुत परस्त रही। इसका नाम मोमिनों की फहरिस्त में नहीं होगा, इसका नाम बुतपरस्तों की फहरिस्त में होगा। आज सोचिए, हम बुतपरस्तों की बातें पढ़ते हैं तो कहते हैं ये ईमान से महरूम थे। ऐसा तो नहीं कहीं हमारा नाम ही बुतपरस्तों में लिख दिया गया हो। इसलिए औरतें इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह समझें कि ये जिना का गुनाह ईमान से महरूम करता है, जिना का गुनाह इंसान को अल्लाह के दफ्तर में बुतपरस्तों की फहरिस्त में शामिल करता है। ये जो होता है ना, किसी को मोहब्बत से चाहना, हर वक्त उसका ध्यान रहना, तो मेरा दीन ईमान सजना, तो अल्लाह ताला फिर बंदे का नाम ईमानदारों की फहरिस्त से निकाल देते हैं। तो कितनी अजीब बात है कि जिस औरत का अफेयर 5 साल किसी के साथ रहा, वो 5 साल अल्लाह के कागजों में बुत परस्त बनकर रही, वो शिर्क करती रही, वो मोमिना नहीं थी, वो मुशरिका थी। सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। फिर इसकी सजा आखिरत में इतनी ज्यादा कि पढ़ के कांपता है बंदा।
ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو فرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ کے اوپر چٹان رکھ دیں گے، وہ عورت نہیں نکل سکے گی۔ اس غار کے اندر بچھو ہوں گے، وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے رہیں گے کہ تُو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے، آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا۔ سوچئے، اکیلا ہوگا، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہد کی تو درد برداشت نہیں ہوتا، بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، جسم کی کیا حالت ہوگی؟ چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے، بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرق بن جائے، بت پرست بن جائے، اللہ تعالی محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں، تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور دنیا کے اندر جو نحوست ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میاں بیوی کے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔